नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबर पर। दिल्ली के शकुरपुर में वृद्ध महिला के साथ बलात्कार, DCW ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों का भी माता पिता की पैतृक संपत्ति पर हक। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक कांग्रेस नेताओं के खिलाफ जनहित याचिका की खारिज, झूठे वादे पर उपहार कार्ड वितरण का था आरोप। नए मंत्रियों के लिए 10 करोड़ रुपए में 33 इनोवा कार खरीदेगी कर्नाटक सरकार, विपक्ष ने उठाए सवाल। जातिगत जनगणना की मांग ने इंडिया गठबंधन में डाली दरार, राजनीति प्रस्ताव पर नहीं बनी सहमति। नेशनल अवार्ड जीतने के बाद आर माधव बने FTII के नए अध्यक्ष, मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी बधाई। जबरन इस्लाम अपनाने के दबाव और बच्चियों के बढ़ते अपहरण से 30 हिंदू परिवारों ने छोड़ा पाकिस्तान, अब वीडियो हो रही है वायरल। एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र ने बनाई कमेटी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे अध्यक्ष, कांग्रेस का सवाल, सरकार को अचानक क्यों पड़ी इसकी जरूरत। जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल को ईडी ने किया गिरफ्तार, 538 करोड़ की धोखाधड़ी का है आरोप। वन नेशन वन इलेक्शन पर सपा की प्रतिक्रिया, कहा क्षेत्रीय दलों को समाप्त कर देना चाहती है बीजेपी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।